ब्रह्म ज्ञानी कै धीरज ब्रह्म ज्ञानियां च धीरज जिहड़ा गुण है विशेष गुण है, इस गुण वर्गा होर किसे च गुण नहीं। कोई इहो जिहा ब्रह्म इत्थे दे है, इह मियां मीर नूं पुछिया सी गुरु साहिब जी नूं कि महाराज आप जी ने जिहड़े वचन कीते सुखमनी साहिब च ब्रह्म ज्ञानी कै धीरज, कि महाराज इहो जे ब्रह्म ज्ञानी कै दर्शन होणगे। हजूर ने उस वेले कहा सी मियां मीर तेरी भावना किते करतार पूरी कर देवेगा। जदों सतगुरु महाराज साहिब जी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी नूं कायम रखण वास्ते जहांगीर बादशाह कहिंदा सी कि इहदे विच पैगंबर की सिफत लिख दिओ, इहदे विच मेरी तारीख लिख दिओ कि जहांगीर दे वेले गुरु ग्रंथ साहिब का सरूप बनिया है, अते मुसलमान बनना हिंदुआं नूं लिख दिओ, सिखां नूं भी मुसलमान बन जरूर। गुरु साहिब ने कहा भी साडा तां मत इह है दोजक पाउंदा क्यों रे चित ना होए रसूल, जे रसूल दे भी रब चेते नरक चो पैंदा उह वी रह सकेगा। सुन के उसने दीवान आपदे चंदू दे ताई अपना कहिंदे तेरा नाता नहीं इन्हां नूं प्रवान कीता, तू वैर लै लिया, सतगुरु साहिब नूं हवाले कर दिता सी। आप जहांगीर तौगीरी विच लिखदा कि मैं सिखी की दुकान गोइंदवाल साहब तो गुरु अमरदास साहब तो ला के बड़ी चलती सी, इनू बंद करने वास्ते मैं गुरु अर्जन साहब नू शहीद किया। आप वो आपकी डेयरी च लिखता है जहांगीर इस पाप तो बरी नहीं हो सकता साहब संगत जी। सो गुरु महाराज साहब के दर्शन करने वास्ते मियां मीर जदों आया हजूर तपी लोह दे उत्ते बैठे है, गर्म रेता आपके उपर पै रहा है, उबली लेक विच पहला बैठे है, उस वेले मियां मीर तहां मार के बेहोश होके डिग पिया। महाराज कहिंदे हे मियां मीर क्यों घबराउणा है, तैं पुछिया सी तुक दा अर्थ ब्रह्म ज्ञानी कै धीरज एक, ए वेख धीरज है कि नहीं धरती जैसे धरती है। ज्यों बसदा कोऊ खोदै कोऊ चंदन लेप, धरती नूं कोई पट्टी है कोई लेप करी, जे है धरती विच कोई किसे प्रकार दा खेत जां सुख, इसे प्रकार दे नूं भाई कोई साडी पूजा करी जावे। असी तां जिवें हरिमंदर साहिब च बैठे सी ऐं तपीलो ते बैठे हैं, इउं उबलदी देग च बैठे हैं, जिवें साडे चौर हुंदा सी ऐं साडे ते रेता प्रतीत हुंदा है। इन्हें आनंद च तू क्यों घबराउणा है, अपना हथ ला के मियां मीर नूं कहा वेख मियां मीर, कहिंदा जी मैं आप जी शक्ति नाल इह जुल्म दा राज नाश कर दिंदा। महाराज कहा वेख किन्नी आग्या मंगदे है, दिखाए 33 करोड़ देवता सारे अवतार पैगंबर हथ जोड़ी खड़े है, सिद्ध सारे महाराज साहब नूं कहिंदे महाराज आग्या दिओ। हजूर कहिंदे वेख आग्या इन्ने मंगदे है, साडी खेल च पई दखल ना दिओ, असीं ब्रह्म ज्ञान दे लक्षण करके विखा रहे हैं। सो इह करतार दी रजा दे विच असीं प्रसन्न हाँ, अपनी वल्लों असीं किसे नूं बुरा नहीं कहना। इह सतगुरू दा मिशन इह आप वरता के दस्सिया सच्चे पातशाह जी ने। ब्रह्म ज्ञानी का धीरज धीरज गुण एक विशेष गुण है, इन्नी धीरज रखनी ज्यों बसदा कोऊ खोदै कोऊ चंदन लेप, कोई धरती नूं पट्टी जावे कोई चनन दी लेपा पोचा दी जावे, धरती उसे तरह रहिंदी है, धरती चीजी के करे जे जिस विच सब कुछ होए। इस प्रकार गुरु महाराज साहिब सच्चे पातशाह पूजनीक सारे संसार दे खेत तो रहत अपने आनंद शहीदी दिती है। एक तो सिखां दा वचन जिहड़ा कहा सी कि महाराज इस दा साकत दा साक नहीं लैणा, उह संगत दा बोल नवाया है। दूजा गुरु ग्रंथ साहिब दे अंदर जहांगीर दे तैश चा के किसे प्रकार डर चा के बाणी बदल के उस बादशाह दी तारीख नहीं लिखी, अते मुहम्मद दे चेले बनना सिखां नूं नहीं कहा वी मुसलमान जरूर बन जिओ, ते पैगंबर की सिफत नहीं लिखी, सच सच गुरु साहब जी लिख दिता है। इस करके गुरु साहब की शहीदी बाणी नूं कायम रखण वास्ते ते संगत दे बोल नूं पूरा रखण वास्ते सी सतगुरां दी ऐ धीरज धरती वांगू इक रस रख के विखाता। ज्यों बसदा कोऊ खोदै कोऊ चंदन लेप, धरती नूं पट्टी जावे कोई चंदन दी लेप पोचा देई जावे, इक रस रहिंदी पृथ्वी, ऐ कोई पूजा करन वाला ते दुख देने वाले तो एक रस रहे हैं आप।